जब किसी फिल्म में रेलवे स्टेशन या फिर ट्रेन में शूटिंग की जाती है तो इसके लिए फिल्म वाले इंडियन रेलवेज़ को एक अच्छी रकम देते हैं, लेकिन यह रकम अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से तय की जाती है। तो आइए समझते हैं कि किसी भी फिल्म की शूटिंग में रेलवे की कितनी कमाई होती है। सबसे पहले तो इंडियन रेलवेज फिल्म वालों से शूटिंग की लोकेशन पूछती है और उसी के हिसाब से चार्ज भी लेती है। जैसे कई फिल्मों में शूटिंग ट्रेन के अंदर की जाती है तो वहीं कई फिल्मों में ट्रेन के बाहर। कभी कभी तो सिर्फ रेलवे स्टेशन पर ही शूटिंग कर ली जाती है। जब फिल्म वाले शूटिंग के लिए इंडियन रेलवेज के पास आते हैं तो उन्हें देख कर रेलवेज भी यही सोचती है पैसा ही पैसा होगा। चलिए अब बात करते हैं कि फिल्म वाले इंडियन रेलवेज को कितना चार्ज देते हैं। तो अगर फिल्म की शूटिंग ट्रेन के अंदर करनी हो तब इंडियन रेलवेज 1,00,000 रुपये एक दिन का लेती है। इसी तरह अगर फिल्म की शूटिंग ट्रेन के बाहर और स्टेशन पर करनी हो तब इंडियन रेलवेज 5,00,000 रुपये तक का चार्ज लेती है। इसी तरह अगर फिल्म वाले एक ही जगह ट्रेन को काफ़ी देर तक रुका कर रखे तब रेलवे इनसे हर घंटे के हिसाब से 1,000 या 1,200 रुपये का चार्ज लेती है। उम्मीद है कि अब आप भी समझ गए होंगे कि इंडियन रेलवेज फिल्म वालों से कैसे और कितना पैसा लेती है। इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को, क्योंकि इसके लिए मैं आपसे कोई चार्ज नहीं लूँगा। वैसे जब फिल्म वाले 1-2 घंटे की शूटिंग को फ्री में बढ़ाने की बात करते हैं तो इंडियन रेलवेज भी उन्हें साफ साफ कह देती है, इतना पैसा मैं इतना ही मिलेगा।